डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो 5.2 है उसके कुछ आइडेंटिटीज बताई थी और उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो बताई थी। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर भी 5.2 के ही कुछ क्वेश्चन हैं। मैं आपको इसका जो है सेकंड पार्ट आज करवाने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में तो बता दिया था कि अगर हमारे पास आर में वैल्यू दे रखी है, आर या थीटा के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आज अगर आर के अंदर है या 1/r के अंदर है, यू के अंदर लेके आनी है, ठीक है, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। पैडल इक्वेशन है उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये तो था आपका पिछला लेक्चर। अब आज के लेक्चर में क्या है, अगर हमारे पास जो फंक्शन दे रखी हैं वो आर पी और आर के अंदर दे रखे हों या पी या साई के अंदर दे रखे हों, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन जो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको करने के लिए जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर हमारे पास फंक्शन पी और साई के अंदर दे रखा है, यानी कि पी और साई के अंदर अगर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो रा की वैल्यू निकालनी है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पी प्लस डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर, यानी कि पी के तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हमें वहां से निकाल लेंगे क्योंकि पी और साई के अंदर हमारे पास फंक्शन मिलेगा, ठीक है, पी की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे। और ये क्या है, पी का डबल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू साई, साई के रिस्पेक्ट में हम पी का डबल डेरिवेटिव कर देंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। सेकेंड है आज आपके लिए कि अगर हमारे पास पी या फिर आर के अंदर फंक्शन दे रखा है, यानी कि पी की वैल्यू आर के अंदर या आर की वैल्यू पी के अंदर दे रखी हो, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पैडल इक्वेशन बताई थी, उसके अंदर भी आप लोगों ने इसका यूज किया था, ठीक है, तो क्या थी हमारे पास आर डी आर बाई डी पी, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, पता चल गया। कुछ और बातें हैं, जैसे थर्ड है, जैसे हमारे पास साइन साई में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अगर साइन साई में है या फिर फंक्शन हमारे पास वाई और एस के अंदर है, ठीक है, वाई और एस के अंदर है, और हमें फिर क्या करना है, डी वाई बाई डी एस, उसको हम साई साई से डिनोट करते हैं, साइन साई से डिनोट करते हैं। फोर्थ है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है एक्स और एस के अंदर दे रखा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो कोज साई है उसकी वैल्यू हम लेके चलते थे डी एक्स बाई डी एस, ठीक है। अब फाइव है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन जो है एक्स और वाई के अंदर दे रखा है, एक्स और वाई के अंदर दे रखा है और हमें साई में ही उसका कन्वर्ट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम टेन साई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास फंक्शन जो दे रखा हो वो एस की वैल्यू साई के अंदर दे रखी हो, ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, डी एस बाई डी साई फाइव कर लेंगे, तो वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर वाई और एस के अंदर दे रखा है, तो y और s के अंदर दे रखा है, तो हमें तो डी एस बाई डी साई निकालना है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एस को हम साइन साई से डिनोट कर देंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, अब देख लेते हैं। पहले मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्योंकि ये 5.2 एक्सरसाइज आपकी, इस 5.2 एक्सरसाइज के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका जो है सेकेंड पार्ट ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जैसे आपके मैथ में है ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये इन दोनों मेथड्स के ऊपर है, फर्स्ट और टू इनके ऊपर है। जैसे आपको मैं पहले ये आइडेंटिटी लिख रखी है, तो मैं पहले आपको सिक्स्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पी इज इक्वल टू ए वन प्लस साइन साइन, ठीक है, ये दे रखा है। देखो पी की वैल्यू पी और साई के अंदर फंक्शन है, P और साई के अंदर फंक्शन है, तो अभी क्या निकालना है यहाँ से, सबसे पहले तो हमें P की वैल्यू तो निकालनी है, वो तो हमारे पास दे रखी है। अब हमें P का डबल डेरिवेटिव निकालना है और उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर पहले तो मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, तो डी पी बाई डी साई क्या आ जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, एज चीज रहेगा, वन का जीरो हो जाएगा, साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस साई,
ठीक है, और साई का वन हो जाएगा क्योंकि साई के रिस्पेक्ट में ही है, इसका डेरिवेटिव कर ले। अब सेकंड करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर। अब देखो ए तो हमारे पास है, डी कोस का करेंगे तो माइनस का साइन साई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई डबल डेरिवेटिव की। इसके अंदर पुट कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रा की वैल्यू, रा से डिनोट करते हैं हम, तो पी की वैल्यू है हमारे पास ए वन प्लस का साइन साई और प्लस, अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस का ए साइन साई। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिल जाएगी, ए प्लस ए साइन साई माइनस ए साइन साई, तो ए साइन साई से ये कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं आपका। जैसे इसके अंदर आपको दे रखा है, अगर आपके पास p और साई के अंदर कोई भी फंक्शन है तो उसको कैसे सोल्व करना है, इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं और आपको बता देता हूं फिर वो कैसे सोल्व होगा। जैसे हमारे पास सिक्स का ये रखा है तीन पार्ट्स हैं इसके, तो देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो पी और साई के अंदर दे रखा है। ठीक है, हमें यहां से क्या करना है, पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है पी का। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू पावर आगे पी की पावर वन रह जाएगी और पी का डेरिवेटिव डी पी बाई डी साई आ जाएगा इज इक्वल टू। अब हमारे पास ये स्क्वायर कांस्टेंट है, टू पावर आगे लेके आएंगे कोस की पावर जो होगा वन रह जाएगी और फिर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन साई आ जाएगा। ठीक है, यहां तक प्लस। अब बी स्क्वायर एच डी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का करेंगे तो टू पावर को आगे लिख लेंगे, साइन की पावर वन रह जाएगी और फिर साइन का करेंगे तो कोस साई आ जाएगा। ठीक है, टू पी डी पी वाई डी साई एच डी इज इक्वल टू। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आइडेंटिटी बताई थी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर को एच डी लिख लेंगे और इसको मैं साइन 2 साई लिख सकता हूं। अब ये देखो इसके अंदर प्लस, ये भी हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो बी स्क्वायर एच डी मैं इसको साइन 2 साई लिख सकता हूं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब साइन 2 साई जो है कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 पी डी पी बाई डी साई, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं साइन 2 साई को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है तो मैं इसको एच डी रख लेता हूं। ठीक है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये यू और ये भी हो जाएगा, तो यू एच डी अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस। अब की बार डी पी बाई डी साई एच डी, पी का डेरिवेटिव करेंगे तो पी का डेरिवेटिव क्या आएगा, यही आएगा, यानी कि डी पी बाई डी साई आ जाएगा हमारे पास और इज इक्वल टू में अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम एच डी रखेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस टू साई आ जाएगा और फिर टू साई का करेंगे तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है, ये इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो p d स्क्वायर p डिवाइड बाय d साई स्क्वायर प्लस। अब देखो dp बाय d साई, ये भी dp बाय d साई है तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है dp बाय d साई की, क्या वैल्यू है, अगर मैं 2p को इस साइड लेके जाता हूं तो dp बाय d साई की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसके डिवाइड में हम 2p कर दें यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और sin 2 साई डिवाइड बाय 2p, ये हमारे पास dp बाय d साई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसके अंदर अगर रख देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर 2 साई आ जाएगा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम एज इज रखेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और cos 2 sin।
यहां तक पता चल गया। अब हम एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं बाकी को उस साइड ले जाऊंगा, तो बाकी को उस साइड ले जाएंगे तो डी पी डी स्क्वायर पी डिवाइड बाय डी साइन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और कोज कोज टू साइन, और ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टू साइन डिवाइड बाई फोर पी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पी को भी उस साइड लेके जाऊंगा तो इसके भी डिवाइड में आ जाएगा और इसके भी डिवाइड में आ जाएगा। यहां से हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू, पी को मैं उस साइड ले जाऊंगा और इसमें से क्या करूंगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास कोज टू साई डिवाइड बाई पी, ये पी साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टू साई डिवाइड बाई फोर पी की पावर थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये पी जो है इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। यहां तक पता चल गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पी की पावर फोर पी की पावर थ्री अगर एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा अगर हमारे पास है? अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो देखते हैं, ये आ जाएगा डी स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास है अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एच डी, सॉरी यहाँ पे टू पावर है तो यहाँ पे वन पावर हो आएगी इसकी मल्टीप्लाई में, तो वन पावर और लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसके अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा पी की पावर थ्री और फोर, देखो अगर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर पी स्क्वायर कोज टू साइन, फोर पी स्क्वायर कोज टू साइन माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू साइन और मल्टीप्लाई में हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब हमें देखो हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई है, अब क्या करना है p प्लस इसके अंदर देखो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी p प्लस इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो फोर पी की पावर टू और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोज टू साइन माइनस यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर टू साइन डिवाइड बाई फोर पी की पावर थ्री। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फोर पी की पावर थ्री एच डी, अगर इसके अंदर लेंगे तो फोर पी की पावर फोर हो जाएगा प्लस ये फोर पी स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोज टू फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर टू फाइव सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब देखो आप लोगों को जो स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट क्या दे रखी थी मैं आपको एक बार स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। स्टेटमेंट दे रखी थी आपको कि अगर फंक्शन जो है मैं इसको साफ कर देता हूँ, स्टेटमेंट आपकी दे रखी है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई ये दे रखी थी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर मैं p की पावर 4 है इसको p की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो p की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एच डी, मैं इसको लिख लेता हूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई और ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई और इसकी पावर 2। ठीक है, प्लस 4 अब की बार पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास तो मैं इसको एच डी लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी जगह पर मैं वापिस ये वैल्यू पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस इसको हम एच डी रखेंगे। ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगी आपके पास क्या वैल्यू मिल जाएगी माइनस
सॉरी ये कोस स्क्वायर साई इक्वल्स टू साई एच डी रहेगा, कोस टू साई माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टू साई डिवाइड बाई फोर बी की पावर थ्री, ये मिल जाएगा हमें। अब ये मिल जाएगा, देखो अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एज इज रहेगा, 4b हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं ठीक है, और इसकी 1 पावर जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा मैं वो ले लेता हूं, तो 4 और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इसको तो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 पावर रह जाएगी, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई आ जाएगा ठीक है, प्लस अब देखो 4 हमारे पास कॉमन है, ये भी कॉमन आ चुका है, तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस 2 साई ये आ जाएगा अंदर हमारे पास, माइनस इसको एज इज रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साई डिवाइड में हमारे पास 4p की पावर 3 है, इसको हम एज इज रखेंगे। अब देखो r तो हमारे पास चलती रहेगी, तो 4 और इसको एज इज ए स्क्वायर और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और देखो अंदर अगर कोस मैंने आपको कोस 2 थीटा के जो है 4 आइडेंटिटीज बताई थी, क्या थी हमारे पास, अगर कोस 2 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अगर टेन में लेके आना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटी थी कोस 2 थीटा की। अगर मैं इसकी जगह पर ये आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो मैं इसको एज इज रख लेता हूँ एक बार, कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई प्लस, अब इसकी वैल्यू अगर मैं वो पुट कर देता हूँ और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इज रखेंगे, इसकी जगह पर हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई ठीक है, ये आ जाएगा और माइनस इसको एज इज रख लेंगे साइन स्क्वायर और स्क्वायर, तो साइन की पावर 2 साई ठीक है, अब डिवाइड में हमारे पास जो है उसको हम 4p की पावर 3। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और ये अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, अब ए स्क्वायर की करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई, और ए की इसके साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम एज इज रखेंगे, माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साई ठीक है, डिवाइड में हमारे पास है तो जो डिवाइड में है उसको तो हम डिवाइड में ही रखेंगे 4p की पावर 3। अब अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई है, ये भी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं यहां से ठीक है, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका देखो ये हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई ठीक है, तो मैं इसको जो है यहां पे लिख लेता हूं, तो क्या आ जाएगा फिर अगर इसको सोल्व करने के बाद, इसको तो हम एज इज रखेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई ठीक है, और हमारे पास है फिर माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और फिर है साइन स्क्वायर साई साइन स्क्वायर 2 साई ठीक है, अब देखो डिवाइड में हमारे पास
4t की पावर 3 इसको हम एसडीज रखेंगे। अब आर को हमारे पास एसडीज, देखो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां भी स्क्वायर ओपन करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये देखते हैं। तो 4 को मैं एसडीज रख लेता हूं, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर साइन और कोज स्क्वायर साइन आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोज की पावर 4 आ जाएगी 4 साइन, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन की पावर 4 साइन आ जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 4 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन कोज स्क्वायर साइन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन करता हूं तो आइडेंटिटी ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस ए की प्लस ए की पावर 4 माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और हम इसको जो है साइन स्क्वायर 2 साई को एच डी रख लेंगे, ठीक है। पता चल गया यहाँ तक। तो आगे देखते हैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मैं 4 के भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर ए की पावर 4 साइन स्क्वायर साइन कोज स्क्वायर साइन प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोज की पावर 4 साइन प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 साइन प्लस 4 बी स्क्वायर बी की पावर 4 साइन स्क्वायर साइन कोज स्क्वायर साइन, ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद बी की पावर 4 और साइन स्क्वायर 2 साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई, ठीक है। माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास जो है उसको हम एच डीज रखेंगे डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 1/4p की पावर 3 है, ठीक है। तो 4p की पावर 3 एच डीज रहेगा तो 1/4p की पावर 3 को हम एच डीज रख लेंगे। अंदर क्या आ जाएगा अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, देखो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे तो 2 का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर कोस का भी स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पूरे का जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन साइन कोस साइन इसका होल स्क्वायर प्लस इसको हम एच डीज रखेंगे ये और ये हमारे पास। अगर इसमें से कॉमन निकालें हम 4a² b² कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ क्योंकि इसको भी हम b की पावर 4 और इसको भी मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। साइन की पावर भी 2 है और कोज की पावर भी 2 है तो पूरे के जो है और उसके लिख लेंगे। अब इसमें से और इसमें से अगर मैं 4a² b² को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 साई और प्लस कोज की पावर 4 साई आ जाएगा, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो बी की पावर 4 साइन की पावर 2 साई प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा अंदर जाने के बाद माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई और प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई, ठीक है। यहां तक ये पता चल गया। अब देखो अगर मैं इसको 1/4p की पावर 3 तो एच डीज रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं a की पावर 4 इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है ये तो 2 sin इसका होल स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इसको भी मैं sin का स्क्वायर 2 sin आ जाएगा और ये प्लस का इसको देखो चलो इसको हम क्या लिखेंगे 4a² b² अगर मैं इसको भी स्क्वायर का जो है स्क्वायर लिख सकता हूं इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आइडेंटिटी बनी है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो हम टू आइडेंटिटीज हैं इसकी जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ ए प्लस बी इसकी पावर इसका होल स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके चलता हूँ a माइनस बी इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, लेकिन हमें तो क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है।
अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस का टू ए बी आ जाएगा। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें कौन सा अप्लाई करना है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर यहां से निकालूंगा तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का टू ए बी आ जाएगा। अब इन दोनों में से दोनों की आइडेंटिटी इस ए की आइडेंटिटी है दोनों, तो मैं इनमें से कौन सी अप्लाई करूंगा। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, कुछ वैल्यू कम हो रही है हमारी तो हमें वैल्यू कम करने से ही जो है आंसर मिलेगा। तो वैल्यू को कम कैसे करेंगे, तो ये आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए, ए हमारे पास है साइन स्क्वायर साई प्लस बी, बी हमारे पास है कोस स्क्वायर साई इसका होल स्क्वायर और माइनस टू साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस बी की पावर फोर साइन की पावर टू टू साई और माइनस ए की पावर भी फोर आएगी, यहाँ ए की पावर भी फोर आएगी क्योंकि ए की पावर फोर है, तो ए की पावर फोर साइन स्क्वायर टू साई और ये प्लस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब देखो वन बाई फोर बी की पावर थ्री एच डी, ए की पावर फोर और ये भी ए की पावर फोर, तो दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब बी की पावर फोर साइन स्क्वायर है और यहाँ भी बी की पावर फोर है, तो ये भी हमारे पास जो है ये तो ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी की पावर फोर टू बी की पावर फोर साइन स्क्वायर टू साई आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो वन के इक्वल हो गया, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का। देखो फोर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही फोर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर टू साइन लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का हमारे पास बच गया टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर टू टू साइन। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाई टू सॉरी फोर पी की पावर थ्री। ठीक है, तो ये अंदर बच गया हमारे पास ये टू बी की पावर फोर साइन स्क्वायर टू साई प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से मैं टू को कॉमन निकाल सकता हूँ या फिर इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो फोर को भी कॉमन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ये वन बाई फोर पी की पावर थ्री और मैं टू को कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास है? इसको मैं बी की पावर टू भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो टू बी की पावर टू को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास बी की पावर टू और साइन स्क्वायर टू साइन। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा टू बी की पावर टू तो हमने कॉमन निकाली है तो टू ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बाई टू पी की पावर थ्री और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू फाइव प्लस टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो पी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, पता चल गया कि अगर हम पी की वैल्यू पी में और साई के अंदर हमारे पास फंक्शन दे रखा है तो उसके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था तो सेकंड क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है, अब सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि पी और आर के अंदर अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है और हमें फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर डी आर बाई डी पी फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आप इसको देखो मैं इसका एक पार्ट करवा के दिखा देता हूं आपको। टू ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है आर की पावर थ्री, तो ये आर की पावर थ्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें से भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो पी और आर के अंदर फंक्शन है। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे इसका, तो देखो 2a स्क्वायर 2a तो हमारे पास कांस्टेंट है, अगर डेरिवेटिव करूंगा तो 2 पावर आगे आ जाएगी p की पावर 1 और dp by d
आर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे हम, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3r की पावर 2 और r का 1 हो जाएगा। आप इसको जरूरी नहीं है इस मेथड से करोगे, आप इसका डेरिवेटिव जो है p का r के रिस्पेक्ट में भी, p के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर सकते हो। p के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, जैसे मैं r की पावर 3 का करूंगा तो 3r की पावर 2 और dr / dp आ जाएगा इक्वल टू, अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2 पावर आ गया तो 4a p की पावर 1 रह जाएगी, और फिर p का करेंगे तो p के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, dr / dp की क्या आ जाएगी, 4ap डिवाइड / 3r की पावर 2, ठीक है। लेकिन हमें यहां क्या होगा, अब p की वैल्यू भी रखनी होगी, ठीक है। तो p की वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पहले मैं इसको इसके अंदर पुट कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव तो मिल गया, उसके अंदर पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू या r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r r की वैल्यू हमारे पास इसमें से निकालनी होगी तो r इनटू ये रख लेते हैं हम 4ap डिवाइड बाय 3r स्क्वायर। अब r की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4ap डिवाइड बाय 3r। अब इसमें से देखो, अगर मैं p की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर रख देता हूं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, यानी कि 2a को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास r की पावर 3 डिवाइड बाय 2a, दोनों साइड अगर रूट कर देंगे तो p इज इक्वल टू r की पावर तो आ जाएगी 3 बाय 2 डिवाइड में रूट में आ जाएगा 2a, ठीक है। यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4a और p ये डिवाइड में 3r है, इसकी जगह पर हम रख देंगे r की पावर 3 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 2a, ठीक है। अब देखो r की पावर 1 यहां पे और 1 बाय 3 बाय 2 यहां पे, तो 1 पावर को कैंसिल करेंगे तो 1 बाय 2 बच जाएगी हमारे पास, यानी कि यह आ जाएगा 4ar की पावर 1 बाई 2 को रूट लिख सकते हैं डिवाइड बाई 3 रूट 2a। अब रूट 2 है इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2a रूट r डिवाइड बाई 3, देखो रूट 2 है और रूट a है तो एक रूट इसके ऊपर कैंसिल हो जाएगा, a भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू रूट a 2ar और डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास फंक्शन p और r के अंदर दे रखा है और उसमें से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो था आपका 5.2 का जो सेकंड पार्ट है, कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा। थैंक यू।